स्टूडेंट्स वेलकम टू मिश्रा ऑनलाइन क्लासेस मैं निशा सोशल स्वागत करती हूं आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे economics का first chapter, जिसका नाम है विकास हम जानेंगे विकास क्या होता है और इसको मापने के कौन कौन से मापदंड है तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक विकास लेसन शुरू करने से पहले इसके फ्लो चार्ट पे एक नजर डालते हैं इस लेसन को हमने दो भागों में डिवाइड किया है पहले भाग के वीडियो में हम पढ़ेंगे विकास की परिभाषा और लक्ष्य आय और अन्य लक्ष्य राष्ट्रीय विकास विकास की तुलना और औसताय के बारे में अब हम जानेंगे विकास के बारे में विकास क्या है विकास का मतलब उन्नति प्रगति वृद्धि डेवलपमेंट या तरक्की को विकास कहते हैं विकास का मतलब है किसी अवस्था का लगातार बढ़ते रहना उसमें निरंतर वृद्धि होना उसे विकास कहते हैं इसे एक सिंपल से एग्जाम्पल से हम समझते हैं ये जो आप पिक्चर इसमें देख रहे हैं ये टेलीफोन सेट की पिक्चर है और ये उस जमाने की पिक्चर है जब जिन दिनों टेलीफोन का आविष्कार हुआ था और आप देख रहे हैं जैसे जैसे टेलीफोन की तकनीक में विकास हुआ उसमें सुधार हुआ इन जो टेलीफोन सेट है इनके स्वरूप में भी बदलाव आता गया पहले इस रिसीवर के साथ कोड लगी होती थी वायर होती थी उसके बाद कोडलेस सेट आने शुरू हुए और उसके बाद मोबाइल फोन या सेल फोन ने इसकी जगह ले ली और अब इसके बाद हमारे पास है स्मार्टफोन अगर आप इस फोन की बाकी फोन सेट के साथ बाकी टेलीफोन के साथ तुलना करें तो ये सेट जो है ये बहुत ही एडवांस सेट है इसमें इन सेट की बजाय ज्यादा फैसिलिटी है इसकी गुणवत्ता में ज्यादा सुधार है पहले हम सिर्फ लोगों की आवाज को फोन पे सुन सकते थे लेकिन अब हम उन्हें देख भी सकते हैं वीडियो कॉलिंग के थ्रू तो हम कहेंगे कि टेलीफोन के तकनीक में विकास के साथ साथ इसका स्वरूप भी बदलता गया और उसकी गुणवत्ता में भी सुधार हुआ अब जानेंगे विकास की परिभाषा किसी वस्तु अथवा स्थिति में पहले की अपेक्षा सुधार होना या मजबूत होना विकास कहलाता है इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं ये ह्यूमन डेवलपमेंट का उदाहरण है ये चार से पाँच महीने का बच्चा है जैसे जैसे इसका शारीरिक विकास हो रहा है इस बच्चे की हाइट भी बढ़ रही है इस बच्चे की देखने सुनने समझने की क्षमता जो है उसमें भी विकास हो रहा है और साथ ही साथ इसका बौद्धिक विकास हो रहा है और इसमें परिपक्वता आ रही है हम कह सकते हैं कि इसका विकास हो रहा है अब हम जानेंगे कि विकास क्या वादा करता है मतलब कि विभिन्न श्रेणी के लोगों के लिए विकास के लक्ष्य क्या है अलग अलग लोगों के लिए विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं तो सबसे पहले हम जानेंगे एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए विकास के लक्ष्य क्या हो सकते हैं सबसे पहले तो वो क्या चाहेगा काम करने के उसे अधिक से अधिक दिन प्राप्त हो और बेहतर मजदूरी मिले मतलब कि वो बेकार ना बैठे जितने दिन वो काम करेगा उतनी उसकी आय में वृद्धि होगी और वो परिवार को और बेहतर सुविधाएं दे सकेगा नंबर दो स्थानीय स्कूल उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम हो ये उसका दूसरा लक्ष्य है विकास का कि जिस स्कूल में उसके बच्चे पढ़ रहे हैं ग्रा, ग्रामीण स्कूल में जहाँ पढ़ रहे हैं उसके बच्चों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिले ताकि वो बच्चे आगे तरक्की कर सके और किसी अच्छी नौकरी में वो आ, किसी अच्छी नौकरी को वो हासिल कर सके नंबर तीन उसे उसके साथ कोई सामाजिक भेदभाव नहीं होना चाहिए गाँव में वो भी नेता बन सकते हैं मतलब कि इस, आ, वो ग्रा, भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है तो उसके साथ समानता का और सम्मान पूर्वक व्यवहार होना चाहिए ये उसका लक्ष्य होता है और गांव में कोई भी इलेक्शन होता है कोई भी चुनाव होता है चाहे सरपंच के लिए हो पंचायत के लिए हो या ग्राम सभा के लिए हो तो उसमें वो भी भागीदार बन सके वो भी चुनाव लड़ सके इसका वो ऐसी वो मतलब अपने विकास के लिए समानता चाहता है अब एग्जाम्पल लेते हैं एक समृद्ध किसान का इस किसान के पास जमीन भी है और इसके पास बहुत अच्छी फसल भी ये प्राप्त कर रहा है तो इसका क्या लक्ष्य होगा अपने विकास को लेकर तो सबसे पहले ये क्या चाहेगा उपज के लिए ज्यादा से ज्यादा समर्थन मूल्य ये चाहेगा जो भी मान लीजिए इसको पंद्रह सौ रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का समर्थन मूल्य मिल रहा है तो इसकी उम्मीद होगी कि इसे 1500 के बजाय दो हजार रुपए समर्थन मूल्य मिले ऐसे ये ज्यादा से ज्यादा समर्थन मूल्य की इच्छा रखेगा अधिक से अधिक आय प्राप्त करने के लिए और ये किसान चाहेगा कि इसके पारिवारिक आय जो है वो अधिक से अधिक हो और बच्चे गाँव और शहर के स्कूलों में ना पढ़ के विदेशों में उच्चतर शिक्षा के लिए जाए तो ये एक समृद्धशाली किसान का विकास का लक्ष्य है अच्छा अब एक शहरी बेरोजगार युवक जो है उसका विकास का लक्ष्य क्या होगा वो ज्यादा से ज्यादा क्या चाहेगा नौकरी चाहेगा किसी अच्छी कंपनी में किसी कारखाने में मिल में, में वो नौकरी चाहेगा ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके अब एक शहर के अमीर परिवार के लड़के का विकास का क्या उद्देश्य हो सकता है वो बेहतर से बेहतर यूनिवर्सिटी में फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने की उसकी इच्छा होगी ब्रांडेड कार उस लेने की उसकी चाह होगी और उसका लक्ष्य महंगे से महंगा फोन लेने का होगा और विदेशों में घूमना फिरना और किसी मल्टीनेशन कंपनी में एक अच्छी जॉब एक अच्छे रैंक पे जॉब हासिल करना एक शहर के अमीर परिवार के लड़के का लक्ष्य होगा हो सकता है अब जानते हैं शहर के अमीर परिवार की एक लड़की के का क्या उद्देश्य हो सकता है अपने विकास को लेकर उसके पास हर सुख सुविधा है तो वो क्या चाहेगी कि जैसी आजादी उसके भाई को उसके बाकी परिवार के सदस्यों को मिली है उसे भी मिले उसे भी पढ़ने लिखने की अपना करियर चुनने की देर रात तक क्लबों में घूमने फिरने की मौज मस्ती करने की आजादी उसे भी मिलनी चाहिए एक अन्य उदाहरण लेते हैं विकास के उद्देश्य को समझने के लिए मान लीजिए एक उद्योगपति है उसके दृष्टिकोण से विकास को समझते हैं कि उसका अपने विकास को लेकर क्या दृष्टिकोण है तो एक उद्योगपति जो उद्योग चलाता है उद्योगों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल बिजली का होता है अब अगर बांध ज्यादा बनेंगे तो बिजली ज्यादा बनेगी और जितनी ज्यादा बिजली बनेगी उतने बिजली के रेट भी कम होंगे और सस्ती बिजली दरों पे वो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर पाएगा और तरक्की करेगा तो उसका उद्देश्य विकास का क्या रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा बांध बने ताकि ज्यादा से ज्यादा बिजली वो उसे प्राप्त हो सके तो इसके परिणाम क्या हो सकते हैं अगर ज्यादा बांध बना दिए जाए तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं इससे क्या होगा जमीन जलमगन हो जाएगी बांध के आसपास का जो एरिया है वो जलमगन हो जाएगा आसपास रहने वाले लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो सकता है जो आसपास के गांव हैं उनका जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा वे लोग बेघर हो सकते हैं पूरे के पूरे गांव जो है वो जब कभी कहीं किसी क्षेत्र में बांध बनते हैं तो वो गांव जो है पूरे के पूरे जलमग्न हो जाते हैं और हो सकता है गांव वाले इसका विरोध भी कर सकते हैं कि यहाँ पे बांध नहीं बनना चाहिए अब एक छोटे किसान का दृष्टिकोण देखते हैं एक छोटा किसान क्या चाहेगा फसलों की सिंचाई के लिए कि छोटा सा चेक बांध ही बन जाए या तालाब ही बन जाए तो उसकी फसलों की सिंचाई अच्छे से हो पाएगी तो इन उदाहरणों से दो बातें स्पष्ट होती हैं कि अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं एक भूमिहीन किसान का लक्ष्य विकास का अलग है एक समृद्धशाली किसान का लक्ष्य अलग है शहर में एक बेरोजगार युवक का लक्ष्य अलग है शहरी लड़की का लक्ष्य अलग है और शहर में रहने वाले युवक का लक्ष्य अलग है और एक के लिए जो विकास है वही दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है अभी बांध वाला आपने जो एग्जाम्पल देखा एक और एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे ये बरसात के दिनों का की ये तस्वीर है लोग धान की रोपाई कर रहे हैं और धान की फसल के लिए अधिक से अधिक मात्रा में पानी बरसात की आवश्यकता होती है तो ये किसान क्या चाहेंगे कि अधिक से अधिक मात्रा में बरसात हो को पानी बरसे ताकि फसल की पैदावार जो है वो बहुत अच्छी हो इसके साथ आप शहरों की रूपरेखा देखें तो यहाँ पे सड़कें गलियाँ जो हैं वो पक्की होती हैं सीमेंटेड होती हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी बारिश होने पे भी बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो ये लोग क्या चाहेंगे कि जितना कम हो सके उतनी बारिश हो अधिक से अधिक बारिश ना हो तो किसी एक के लिए जो विकास है हो सकता है दूसरे के लिए वो विनाश साबित हो अब हम जानेंगे आय और अन्य लक्ष्यों के बारे में विकास को हम किस चीज से मापते हैं आय से विकास किसके लिए चाहते हैं हम ताकि हमें अधिक से अधिक आय प्राप्त करें तो हम कहेंगे कि हमारा विकास हो रहा है लेकिन ऐसा भी नहीं है सिर्फ आय ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं है और भी कई तत्व हैं। आपने पिछली स्लाइड्स में देखा कि लोग अपने विकास के लिए और क्या चाहते हैं आय के अलावा कि उन्हें नियमित काम मिले बेहतर मजदूरी मिले अपने फसलों के लिए बेहतर समर्थन मूल्य मिले बराबरी का व्यवहार हो स्वतंत्रता हो और उन्हें सुरक्षा भी मिले ऐसा नहीं कि काम के बदले उन्हें बहुत अच्छा मेहनताना मिल मिल रहा है या वेतन मिल रहा है लेकिन वहां पे सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है तो ऐसी अवस्था में लोग वहां पे काम करना पसंद नहीं करेंगे अब हम जानेंगे राष्ट्रीय विकास के बारे में राष्ट्रीय विकास का मतलब किसी देश का विकास किसी राष्ट्र का विकास जैसे विभिन्न लोगों की विकास की धारणा भिन्न है तो राष्ट्रीय विकास की धारणा भी भिन्न होगी राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय कुछ प्रश्नों पर विचार करना है अभी हमने पिछले पिछली स्लाइड्स में काफी उदाहरण भी लिए इस बात को समझने के लिए कि विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं तो राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय विकास से संबंधित भी राष्ट्रीय विकास में भी वही बात लागू होती है क्या सभी विचारों को बराबर का महत्व तो दिया जा सकता है राष्ट्रीय विकास से संबंधित लोगों के जो विचार हैं क्या सभी विचारों को समान महत्व तो दिया जाना चाहिए नंबर यदि परस्पर विरोधी हैं तो निर्णय कैसे लिया जाए जैसे हमने बांध वाली स्थिति देखी उद्योगपति चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा बांध बने और किसान चाहता है कि सिर्फ चेक डैम या तालाब ही बने ताकि उसकी फसलों की सिंचाई हो तो अगर ऐसे परस्पर विरोधी निर्णय लिए जाए तो उसमें बीच का रास्ता कैसे अपनाया जाए जिससे राष्ट्रीय विकास हो सके फिर है सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही राह क्या होगी क्या कार्य करने का कोई बेहतर तरीका भी है यदि एक चाहता है कि बांध बने और दूसरा चाहता है कि बांध ना बने तो इसका कोई और भी विकल्प हो सकता है क्या कोई बीच का रास्ता ऐसा हो सकता है जिससे उद्योगपति को भी लाभ हो और किसान को भी लाभ हो क्या इस विचार से बहुत से लोगों को लाभ मिलेगा या कुछ को ही जो भी राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए उसके लिए जो प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं नीतियां बनाई जाती हैं उसके लिए जो भी हायर अथॉरिटीज अपॉइंटेड होती हैं उन लोगों वो इस चीज पे ज्यादा विचार करती हैं कि ऐसी कौन सी योजनाएं लागू की जाए कि जिससे बहुत से लोगों को फायदा पहुंच सके इसके बाद हम चर्चा करेंगे विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए मतलब कि एक देश को हम कैसे मान लें कि वो दूसरे देश से ज्यादा विकसित है या फिर दूसरे देश से वो पिछड़ा हुआ है तो इसके लिए कुछ ना कुछ आधार अवश्य होना चाहिए उसकी तुलना का उद्देश्य या लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए किसी देश राज्य अथवा किसी वस्तु की तुलना इस बात पर निर्भर करती है कि तुलना का लक्ष्य आखिर है क्या इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं ये क्लास का चित्र यहाँ पे आप देख रहे हैं तो इन बच्चों की तुलना करने के लिए हमें कुछ मापदंड लेने होंगे अदरवाइज हम इनकी तुलना नहीं कर पाएंगे जैसे यहाँ पे ऊंचाई लिया हुआ है मापदंड कि इतने बच्चे इस हाइट के हैं इतने बच्चे इस हाइट के हैं उस आधार पे हम इनकी तुलना कर सकते हैं फिर स्वास्थ्य है कुछ बच्चे महीने भर कुछ बच्चों को महीने भर से सर्दी खांसी जुकाम की ज्यादा प्रॉब्लम रही है कुछ बच्चे बिल्कुल तंदुरुस्त हैं इस आधार पे हम इनकी तुलना कर सकते हैं प्रतिभा के आधार पर हम उनकी तुलना कर सकते हैं कि इतने बच्चे ड्राइंग करने में ज्यादा अच्छे हैं इतने बच्चे, करने में अच्छे हैं, इतने बच्चे डांस में, इतने गाना गाने में ज्यादा प्रतिभाशाली हैं तो इस बेस पे हम इनकी तुलना कर सकते हैं दूसरा है सॉरी चौथा है बुद्धि के आधार पर हम इनकी तुलना कर सकते हैं इनके रिजल्ट के आधार पर कर सकते हैं कि इतने बच्चों ने ए ग्रेड में क्लास उत्तीर्ण की है परीक्षा उत्तीर्ण की है इतने बच्चों ने बी ग्रेड में इतने बच्चों ने सी ग्रेड में परीक्षा उत्तीर्ण की है तो ये एक आधार होता है एक मापदंड होता है जिसके आधार पर हम बच्चों के या बच्चों की या किसी की भी तुलना कर सकते हैं मापदंड तो ऐसे ही विकास को भी हम मापने के लिए कोई ना कोई मापदंड लेते हैं तो विभिन्न देशों या राज्यों के विकास की तुलना के मापदंड अब इनको देशों को या राज्यों के विकास को अगर हमने मापना हो तो इसके लिए हम कौन कौन से मापदंड यूज कर सकते हैं तो सबसे पहले हम लेंगे आय देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय महत्वपूर्ण मानी जाती है जिन देशों की कुल आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है और जिन देशों की आय कम है उन्हें कम विकसित माना जाता है तो आय जो है देशों की तुलना के लिए पहला मापदंड है और यहाँ पे एक वर्ड ये जो यूज हुआ है कुल आय ये कुल आय क्या होती है इसके बारे में जानते हैं कुल आय का मतलब किसी देश के सभी नागरिकों की आय को कुल आय कहा जाता है लेकिन ध्यान से मतलब यदि गौर किया जाए तो देशों के बीच विकास की तुलना करने के लिए कुल आय उपयुक्त मापदंड नहीं है वो क्यों क्योंकि अलग अलग देशों की जनसंख्या क्या है अलग अलग है तो इस आधार पर किसी देश को हम विकसित या कम विकसित नहीं आंक सकते नंबर दो पे है विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार देशों के विकास की तुलना के मापदंड अब विश्व बैंक की जो विश्व विकास रिपोर्ट है उन्होंने विकास की तुलना के का एक मापदंड निर्धारित किया है और वो मापदंड क्या है विश्व बैंक ने देशों की विकास की तुलना करने के लिए उनकी आय को आधार बनाया है इन्होंने भी आय को आधार लिया है जिन देशों की आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर है उन देशों को विकसित तथा जिन देशों की आय निर्धारित स्तर से कम है उन्हें कम विकसित देशों की श्रेणी में रखा गया है इन्होंने आय को आधार बनाया है, लेकिन उसके लिए इन्होंने एक स्तर निर्धारित किया है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 2016 में यूएस डॉलर 12,236 प्रतिवर्ष या उससे अधिक है उन्हें विकसित देश माना गया है और नंबर दो वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 2016 में यूएस डॉलर 1005 हजार पांच प्रतिवर्ष या उससे कम है उन्हें निम्न आय वाला देश माना गया है और नंबर तीन भारत इस मामले में मध्य आय वर्ग के देशों में आता है वो क्यों क्योंकि 2016 में भारत की जो प्रति व्यक्ति आय थी वो यूएस डॉलर 1840 प्रतिवर्ष थी अब तीसरा जो मापदंड है वो है औसत आय का क्या एक देश के लोग दूसरे देश से बेहतर हैं यह ज्ञात करने के लिए हम औसत आय की तुलना करते हैं लेकिन ये औसत आय, आय के बारे में जानते हैं किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो आय प्राप्त होती है उसे औसत आय कहते हैं औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है मतलब औसत आय और प्रति व्यक्ति आय दोनों एक ही बात है अच्छा औसत आय को कैसे प्राप्त किया जाता है कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे हम औसत या प्रति व्यक्ति आय कहते हैं अब है औसत आय का प्रयोग हम क्यों करते हैं तो औसत आय का प्रयोग प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए किया जाता है सॉरी यहाँ पे किया जाता है किया जाता है ताकि विभिन्न व्यक्तियों तथा तो देशों की तुलना की जा सके परंतु विकास के इस मापदंड में कुछ मदों का ध्यान नहीं रखा जाता इसमें आय के असमान वितरण पर भी ध्यान नहीं दिया जाता हालांकि औसत आय जो है प्रति व्यक्ति आय जो है वो दो देशों की तुलना करने का बहुत ही उपयुक्त मापदंड है लेकिन फिर भी इसमें कुछ मदों को छोड़ दिया जाता है जैसे कि आय के असमान वितरण पे इस पे ध्यान नहीं दिया जाता जिसे हम इस तालिका के द्वारा समझेंगे इस तालिका में दो देशों की तुलना की गई है देश का और देश ख के पांच नागरिकों की मासिक आय रुपयों में ली गई है देश का के पहले नागरिक की मासिक आय 9,500 है और ख के 500 है देश क के दूसरे नागरिक की आय दस हजार पांच सौ और पांच सौ फिर तीसरे नागरिक की नौ हजार आठ सौ और पांच सौ चौथे नागरिक जो कि देश क से संबंधित है दस हजार और ख वाले की पांच सौ है और पांचवा जो नागरिक है उसकी आय दस हजार दो सौ और देश ख में उस नागरिक की आय पांचवें नागरिक की जो आय है मासिक आय जो है वो है अड़तालीस हजार तो इनको अगर प्लस किया जाए तो इनका टोटल बनता है पचास हजार और पचास हजार को हम पांच से भाग करेंगे तो आएगा दस हजार तो ये दस हजार हमारी औसत आय है देश का की ठीक ऐसे ही इस देश की औसत आय इस देश की मासिक आय को भी अगर प्लस किया जाए तो ये भी पचास हजार आती है और पांच से भाग करने पर ये भी दस हजार औसत आय हमें प्राप्त होती है तो इससे क्या पता चलता है आप किस देश में रहना पसंद करेंगे ऐसे देश में जहाँ पे चार लोगों की मासिक आय सिर्फ पांच सौ है और पांचवें नागरिक की आय अड़तालीस हजार है या फिर ऐसे देश में जहाँ पे जो मासिक आय है वो लगभग लगभग सात सात चली हुई है मतलब पहला इसमें जो नागरिक है वो भी अच्छी आय प्राप्त कर रहा है और पांचवा नागरिक भी अच्छी आय प्राप्त कर रहा है तो हालांकि स्पष्ट है कि दूसरे देश में लोगों की मासिक आय इतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी इसकी औसत आय इस देश के बराबर है मतलब ख और क जो है वो दोनों समान रूप से विकसित हैं। तो ये फर्क है जो औसत आय जिसको नजरअंदाज करता है ये आय की असमानता को ये नजरअंदाज करता है इग्नोर करता है ये इसमें एक कमी है अदरवाइज औसत आय जो है वो विकास की तुलना करने का एक बेहतर मापदंड है तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने जाना विकास के बारे में विकास क्या होता है अलग अलग लोगों के लिए विकास के क्या दृष्टिकोण हैं? एक व्यक्ति के लिए जो विकास है वो दूसरे के लिए विनाश कैसे साबित हो सकता है और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमने जानी कि दो देशों के विकास की तुलना करने के लिए हम किन आधारों को ले सकते हैं कौन कौन से मापदंड ले सकते हैं इन मापदंडों में आज हमने जाना कुल आय के बारे में और औसत आय के बारे में कल इस लेसन के दूसरे भाग के वीडियो में हम अन्य मापदंडों के बारे में भी जानेंगे तो उम्मीद करती हूँ आपको जो इस वीडियो में पढ़ाया है वो समझ आया होगा आप बच्चे साथ साथ में इसके नोट्स भी बनाते रहेंगे तो कल के वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक के लिए हैव अ गुड डे